वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सबसे होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइज आप लोगों को बताइए, आज का आठवां महोत्सव चल रहे, तो जस्ट मैंने निकल रहा था आठवां महोत्सव का तीसरा दिन आपको बताया। तो गाइज चलते हैं आठवां महोत्सव की तरफ। तो आपको डायरेक्ट में कहाँ मिलता हूँ, रामला फील्ड में। तो जहाँ आठवां महोत्सव चल रहे हैं गाइज, तो कल भी आपने देखा काफी बारिश चली थी, बारिश के बीच में भी खेल लगे थे गाइज। वहाँ पर काफी सारे खेल लगाए गए, काफी सारे छलिया यात्रा है, उसके कई चीजें हुई थी गाइज वहाँ पर प्रोग्राम्स। तो गाइज आज भी चलते हैं, तो आज भी वहाँ प्रोग्राम काफी अच्छे से प्रोग्राम है। तो गाइज चलते हैं वहाँ की तरफ, तो मिलते हैं आप लोग से कहाँ, रामला फील्ड में। तो गाइज मैं पहुंच चुका था रामला फील्ड। तो आपको बताऊँ तो मेरी भांजी भी है, तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो प्रिय मिस्टर ब्लॉग से करके, तो प्लीज आगे उसको भी सपोर्ट करना गाइज, उसको भी सब्सक्राइब करना चैनल, एक बार चेकआउट कर लेना। मेरा ब्लॉग अच्छी लगी तो मेरी भांजी की उसको सब्सक्राइब करना गाइज। तो देख सकते हैं ब्लॉग कर रहे हैं, तो मेरी भांजी भी ब्लॉग करिए गाइज। यहाँ का भी जो आठ मौसम चल रहा है आप देख सकते हैं गाइज। तो जैसे मैं पहुंच चुका था आप लोगों को बताऊँ तो, और कल जो गौरी माँ की प्रतिमा और महेश्वर जी की प्रतिमा है गाइज, अंदर देख सकते हैं आप लोग, अभी दिखा रहा हूँ आपको गाइज अंदर। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो दोस्तों देख सकते हैं कल जो गौरा माँ के साथ जो महेश्वर जी की मूर्ति स्थापित की थी, तो देख सकते हैं गाइस। तो जैसे कल स्थापित कर दी गई थी, तो कुछ दिन बाद इसको मैं बता दूँ जब गौरा होता है गाइस, तो उसके बाद इसको मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो देख सकते हैं अभी अभी चेहर पर थोड़ी कम है आप लोग बताएं तो, और कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। तो आगे चला जाता है यहाँ पर घर, सही चीज़ है, सही चीज़ है यहाँ। तो हमारे रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है गाइस, तो हरा रहे आपको बताएं तो गौरा ना, तो गंवारा कहते हैं इसे। तो देख सकते हैं गाइस अभी चेहर पर थोड़ी कम है, तो बरसात का मौसम चल रहा है, तो बारिश आ जाती है थोड़ी देर पहले बताऊँ तो, जो दर्शक अभी यहाँ पर है तो कम है बताऊँ आपको। तो देख सकते हैं अभी जस्ट अभी चालू हुई आपको बताऊँ तो, गंवारा का बताऊँ तो गाइस। देख सकते हैं आप लोग अभी कुछ मेला है, अभी खेल खेल लिए जो खेल है जैसे चल रहा है, तो आपको बताएं तो खेल खेला जा रहा है, इसे कहा खेल में बताऊँ तो गाइस। तो देख सकते हैं अभी खेल खेला जा रहा है गाइस, और गौरा माँ महेश्वर जी की प्रतिमा कल स्थापित कर दी गई थी यहाँ बताएं तो आपको, यहाँ गाइस देख सकते हैं आप लोग यार। तो कल आप लोग अपने महेश्वर जी की बारात आप लोग को दिखाई दी गाइस, आपको पता होगा। तो देखते हैं गाइस अभी जो हिसाब से प्रोग्राम होंगे तो आपको भी दिखाएंगे गाइस आगे के प्रोग्राम हो प्रोग्राम। तो मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। देखिए हर वर्ष सतगढ़ की इस यात्रा का बहुत सराह के संयोग सतगढ़ की यात्रा हमारे बीच है, आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं।
माता की, गौरा महेश्वर की, गौरा महेश्वर की। कैसे हैं जब मंदिर बिगड़ जाते हैं तो कई अनर्थ होता है, और जब प्रसन्न होते हैं तो धन्धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। और भदो अति ये मैंने हमारे पहाड़ हमारे देखिए बड़ा जोश और उत्साह यात्रा का सुंदर वचन इस मैदान पर चल रहा है। हिंद यात्रा के कई पात्र हैं हमारे कुंभ की हिंद यात्रा में, दत्तभूत यानी नटेश्वर का की आराधना की जाती है, तो कहीं महाकाली कहीं हिरण चिंतन के रूप में त्यौहार को मनाते हैं। तो सतगढ़ की हिंद यात्रा का आनंद है आप सब मिले हैं, और सतगढ़ के हमारे समस्त कलाकारों ने अपनी गुप्ता को माता प्रभा जी का आभार प्रकट करते हैं, जो हर वर्ष इस हिंद यात्रा का सुंदर समाचार स्वागत कीजिए हिरण चिंतन।